अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ये छोटा सा क्लिप है, ये मेरे लंच का है। तो थोड़ा सा क्लिप शूट किया था, बाहर से लंच लाए थे फुजैल, तो हम लोग ये खा रहे थे। और अब ये रात का टाइम है एंड दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट कुकिंग। तो मैं आज और कुछ नहीं दिखा रही, सिर्फ कुकिंग दिखा रही हूँ। आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं एक बहुत ही मज़े की रेसिपी बना रही हूँ, बहुत डिफरेंट। मैं बना रही हूँ भिंडी आलू। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि पता नहीं ये कैसा बनता होगा, भिंडी और आलू का कॉम्बिनेशन कैसा होगा। लेकिन पहले मैं भी यही सोचती थी, लेकिन ये रेसिपी जो है, अगर आप इस तरह से बनाएं तो बहुत टेस्टी बनता है भिंडी आलू। और ये रेसिपी काफ़ी डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट तरीके से बना हुआ है, बट बहुत बहुत मज़े का बनता है। भिंडी और आलू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जब मैंने इसको बनाया, ट्राई किया, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जो लोग कहते हैं कि अच्छा बनता है वो सही कहते हैं, बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पे मैंने अनियन लिया और उसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस किया है, और इसको मैं ब्राउन करूँगी ऑयल में, गोल्डन ब्राउन, जिस तरह से हम वो कोरमा जो बनाते हैं उसके लिए प्याज ब्राउन करते हैं ना, इसको इसी तरह से ब्राउन करना है। और फिर इसको निकाल लेना है। तो ये भिंडियों में लास्ट में डालेंगे ये प्याज। बहुत यूनिक रेसिपी है, डिफरेंट सी बिल्कुल। मैंने इधर थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ इसके अंदर, और इसको मैं फ्राई करती जाऊंगी। अब फ्राई होने के लिए इसको मैं फिर एक तरफ रख दूंगी और दूसरी तरफ अपनी बाकी की रेसिपी स्टार्ट कर दूंगी। रोज़ रोज़ खाना बनाना और डिसाइड करना कि आज क्या बनाना है, ये खाना बनाने से भी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। हस्बैंड्स को तो आप या घर में अपनी फैमिली में किसी से भी पूछ लो कि क्या बनाएं आज, वो कहते हैं बस जो तुम्हारा दिल करता है। लेकिन ये काम सबसे मुश्किल काम होता है, ये डिसाइड करना कि आज क्या बनाना है। मैंने इस तरफ ऑयल, और एक अब मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, क्योंकि जो ये जो प्याज मैं ब्राउन करूँगी, इसका जो ऑयल बचेगा वो भी फिर दोबारा भिंडियों में डाल लूँगी। और इस कढ़ाई में मैंने अब अपनी भिंडियाँ डाल दी, और मैंने भिंडियों को देखें किस तरह से मैंने ना डायगनल सा इसको मैंने कट किया हुआ है, स्लाइड में, इसको राउंड शेप में कट नहीं किया, थोड़ा सा स्लाइड कट किया है इसको। तो इस तरह से थोड़ी सी भिंडी ज़रा बड़ी बड़ी लगती है, एंड सेकेंडली ये बहुत जल्दी पक जाएगी। इसको यही जब मैं सीजनिंग्स डालते डालते और फ्राइंग में इसने कुक हो जाना है, बहुत मज़े की इस तरह से बनेगी आपकी। दूसरी तरफ मेरे जो अनियंस हैं वो साथ साथ ब्राउन हो रहे हैं। अब इन भिंडियों में मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाला है। ये मेरा सोया सॉस ख़त्म हो रहा था, लेकिन इसमें 1 टेबल स्पून ही था, तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालकर तो इन भिंडियों को अब मैं ज़रा सा वो फ्राई करूँगी ना, जो इसकी स्टिकीनेस है वो ख़त्म हो जाए। और सोया सॉस डालने के बाद भिंडियों की स्टिकीनेस बहुत जल्दी गायब होती है, कुछ सेकेंड्स लगते हैं बस। और ये मेरे अनियंस जो हैं ये फ्राई हो गए हैं, इसको मैं किसी प्लेट में निकाल कर फैला कर रख लूँगी, और फिर इसमें बाकी की रेसिपी स्टार्ट करूँगी। ये जो ऑयल बच गया था, मैंने इस थोड़ा सा ऑयल उसमें से मैंने भिंडियों में डाल दिया, और थोड़ा सा इस फ्राइंग पैन में ही रहने दिया। अब इस फ्राइंग पैन के इसी ऑयल में मैंने आलू ले लिए हैं, 2-3 आलू, और उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया। तो वो मैंने जो थोड़ा सा ऑयल था उसमें मैंने वो आलू डाल दिए। अब एक तरफ मेरी भिंडियाँ पकती रहेंगी और दूसरी तरफ आलू पकते रहेंगे। आलूओं को भी बस थोड़ा सा फ्राई करूँगी, हार्डली 1 मिनट, और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून होल क्यूमिन सीड, साबुत ज़ीरा डाला मैंने इसमें, और हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी। तो इसको अच्छी तरह से पहले इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ, ताकि हल्दी अच्छी तरह से सारे आलूओं पर कोट हो जाए। और फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून ही
सॉल्ट का ऐड कर दिए। इसको बस आपने एक दो मिनट फ्राई करने और फिर इसमें हाफ कप पानी डाल के इसको ढक कर पकाना है जब तक कि आलू सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर बस मैंने दो मिनट तक फ्राई कर लिया, अब मैं इसमें हाफ कप पानी डालूंगी और इसको सॉफ्ट होने के लिए रख दूंगी। और इस स्टेज पे फ्लेम थोड़ी सी मैं लो टू मीडियम रखूंगी। लो टू मीडियम में ये थोड़ा सा स्टीम भी इसके अंदर जनरेट होगी और ये जल्दी आलू मेरे सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैं आ जाती हूँ, आलू मैंने रख दी एक साइड पे पकने। अब दोबारा से भिंडियों की तरफ आते हैं। भिंडियों में अभी तक सिर्फ सोया सॉस डाला था। अब मैंने इसमें हाफ टी स्पून हल्दी डाली, 1 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चों के, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें पहले आलू मैंने होल क्यूमिन सीड डाले थे साबुत ज़ीरा, इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है 1 टीस्पून, और 2 स्पून्स मैंने भर कर मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया। भर के डालना अच्छी तरह से, और फिर इसमें 1/2 टीस्पून जितना मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया। बस इसमें यही सीजनिंग्स जाएंगी और इसको 1 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी। और इसमें सॉल्ट नहीं मैंने डाला क्योंकि सोया सॉस में थोड़ा बहुत सॉल्ट होता है और चाट मसाला में भी होता है। आलूओं के लिए जितना सॉल्ट चाहिए था वो मैंने आलूओं में डाल दिया है। तो और मैंने भिंडी में कोई सॉल्ट नहीं डाला। भिंडी को मैंने ढक के 5 मिनट पकाया और उसके बाद मेरे आलू भी सॉफ्ट हो चुके थे और आलूओं को मैंने अब अपनी भिंडी में डाल दिया है। इस स्टेज पे मेरी भिंडियाँ भी बिल्कुल पक चुकी हैं और आलू भी बिल्कुल पक चुके हैं। जब आपने आलू भिंडी में डालने हैं आपके आलू और भिंडी प्रॉपर कुक हो। बस अब इसको मैंने मिक्स किया है अच्छी तरह और इसमें जो मैंने अनियंस फ्राई किए थे वो मैंने इसमें लास्ट में डाल दिए, और इसमें 2-3 हरी मिर्चें जो हैं वो लंबी लंबी सी कटी हुई वो मैंने डाल दी हैं इसमें, और 1/2 लेमन जूस जो है वो मैं इसमें डाल दूंगी। आजकल लेमन्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, सही जूसी लेमन्स आए हुए हैं, तो इसमें मैंने 1/2 लेमन जूस डाल दिया। और बस मेरी आलू भिंडी की सब्ज़ी जो है वो रेडी है, बहुत टेस्टी और चटपटी सी। जिन लोगों को बड़ा ना स्पाइसी और खट्टा खट्टा खाना अच्छा लगता है उनको तो ये बहुत पसंद आएगी, या जिनको अचार गोश्त वाली रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं क्योंकि वो खट्टी खट्टी होती हैं। मुझे ज़रा चटपटी सी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद आया था और मेरे घर में भी सबको बहुत अच्छा लगा था। वो हो गया। अब यहाँ पे मैं मीठे के लिए जो सेवइयाँ होती हैं वर्मिसेलीज़ वो बनाने लगी हूँ। मुझे सेवइयों का ज़रदा नहीं अच्छा लगता, मुझे अच्छा लगता है दूध वाली सेवइयाँ अच्छी लगती हैं, जैसे शीर खुरमा टाइप जो होती है ना, मतलब नॉर्मल रूटीन में मैं उसमें ज़्यादा नट्स नहीं डालती, लेकिन मुझे दूध वाली अच्छी लगती हैं। मैंने थोड़ा सा 2 स्पून जितना मैंने ऑयल लिया होगा पैन में, उसमें मैंने थोड़ी सी 1/2 पैकेट से थोड़ी सी कम मैंने वर्मिसेलीज़ डाल दी तोड़ कर, और उसको मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी तो ताकि थोड़ा सा उसका वो कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से मैं उसको फ्राई करूँगी और फिर इसमें दूध डालकर इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। ये रेसिपी तो ऑलमोस्ट आई थिंक सभी को आती होगी क्योंकि ये तो सबके घरों में बनता है। ये तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा, फिर मैंने इसमें दूध डाल दिए। अब दूध डालने के बाद मैं इसको लो फ्लेम पर पकाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़रा थोड़ा सा अच्छा सा थिक हो ये ना। दूध को तेज़ आग पे नहीं पकाऊंगी क्योंकि उसमें दूध थिक नहीं होगा, उसमें एवेपरेट हो जाएगा। तो मैंने उसको लो फ्लेम पे पकाया है और साथ में मैं इसमें 3 इलायची जो है वो भी हाथ से तोड़ कर डाल दूँगी। मैं तो अपने घर के लिए बना रही हूँ, लेकिन जब कोई गेस्ट घर में आ रहे हो, कोई दावत हो, तो फिर आप इसमें इलायची पाउडर डाल लें, इसमें आप नट्स डाल लें, लेकिन ये लगती बहुत मज़े की है। इसको बनाकर बस फ्रिज में रख देंगे, जब ठंडी होगी तो फिर खाएंगे और स्ट्यूरिंग खाना खा लेंगे। भिंडी बना के मैंने रोटियां भी पका ली थी, उसका मैंने क्लिप शूट नहीं किया। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो मैं बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती थी। अब शादी के बाद पता नहीं क्यों ये अब मुझे आजकल हो गया अब ये कि
हर रोज़ खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर अरेंज करते हैं, वरना पहले होता था कि कभी ओकेजनली कोई ख़ास मौका है या वीकेंड में एक बार होता था कि प्रॉपर इस तरह का खाना होता था कि खाना भी हो मीठा भी हो, लेकिन अब तो ये डेली की रूटीन है हमारे घर की ना कि हमने खाने के साथ मीठा होता है। भिंडी ये मेरी ना सॉरी सेवैयाँ जो हैं मेरी हो चुकी हैं थिक, तो ठंडी होकर और भी ज़्यादा हो जाएंगी। बस यहीं तक था मेरा व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।